मैं खुशी आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। लॉकडाउन के बीच हिंदू युवक के लिए अभी फरिश्ता बनी है एक मुस्लिम एक लड़की जो कि अचानक से ही वहां पर पहुंची और फरिश्ते का काम कर दिया। चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। बहुत ही बेहतरीन है, जानना काफी ज्यादा जरूरी है। जो लोग बोलते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम अलग होने चाहिए, ऐसे जब मामले सामने आते हैं तब पता चलता है कि उनकी सोच कितनी छोटी है और ऐसे लोगों की सोच कितनी ज्यादा बड़ी है। जो लोग इस जो कि हिंदू मुस्लिम का जो अंतर रहता है उसको कभी भी अंतर नहीं करते हैं, सब एक दूसरे को भाई बहन समझते हैं, अपना देशवासी समझते हैं। ऐसे जब मामले सामने आते हैं तब काफी ज्यादा खुशी मिलती है कि हम लोग एकजुट हैं। चलिए ऐसे ही मामले के बारे में आपको बताते हैं, पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए जरूर जाइए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए भी जरूर जाइए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। हमारे सामने लखीमपुर से ये मामला आ रहा है जहां पर जिला हॉस्पिटल में विजय 42 साल के वहां पर एडमिट थे। उनको वो काफी ज्यादा बीमार थे और एक हफ्ते से एक्चुअली जूझ रहे थे बीमारी के बीच में, और उस दौरान ही उनको ब्लड चढ़ाना काफी ज्यादा जरूरी था, पर ब्लड बैंक में ओ नेगेटिव ब्लड नहीं था, जिसके कारण जो कि जिला हॉस्पिटल है उन्होंने काफी जगह पर जानकारी ली, अलग अलग हॉस्पिटल में लोगों को बताया, इसके बारे में संपर्क किया, पर कहीं से भी ये ब्लड नहीं मिला। राजस्थान अलग अलग जगहों पर भी पता किया पर ये ब्लड नहीं मिल रहा था, कोई भी आगे नहीं आ रहा था। और उस दौरान ही वहीं पर नजदीक ही रहने वाली अलीशा नाम की एक लड़की को पता चला, जिनकी एज 25 साल बताई जा रही है। उनको जब किसी के थ्रू से इसके बारे में पता चला तब वो जिला हॉस्पिटल पहुंचे और विजय के वार्ड पे जाके उन्होंने बताया कि उनका जो ब्लड ग्रुप है वो ओ नेगेटिव है, जल्द से जल्द उनको ब्लड दिया जाए। इतनी बात सुनके ही वहां पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी और उस दौरान ही उनका ब्लड वहां पर जो कि अलीशा का था वो विजय को चढ़ाया गया। अभी बताया जा रहा है कि उनकी हालत काफी हद तक ठीक है। और ये सब चीजें हम आपको ये बता दें कि ये पहला रोजा जब शुरू हुआ था शनिवार के दिन, उस वक्त इत्यारी करने के बाद अलीशा हॉस्पिटल पहुंची और वो भी पैदल चल के अपने घर वालों से परमिशन लिया और वहां पर ब्लड डोनेट करने के लिए चली गई। देखिए गाइस, ऐसे जब मामले सामने आते हैं सुन के कितना ज्यादा फकर महसूस होता है कि जो लोग ऐसी बातें करते हैं कि हिंदू अलग है मुस्लिम अलग है, आप ऐसा करो ऐसा होगा, हमारा अल्लाह है हमारा भगवान है, जो ऐसी सोच रखते हैं अलग अलग होने की, वो लोगों की सोच ही बहुत ज्यादा छोटी है। अलीशा को देखिए, उसने देखा नहीं कि वो हिंदू है या मुस्लिम है, बस अपना ब्लड चढ़ा दिया, अभी उनकी रगों में उनका ब्लड चढ़ेगा तो क्या हुआ, वो तो भाई बहन हुए ना, अभी एक हिंदू एक मुस्लिम तो क्या हुआ। तो यही ऐसी ही चीजें हमें आगे चल के हमारा माइंड को मेंटेलिटी को बहुत ही ऊंचा बनाना है कि हम लोग इतनी छोटी सी नैरो सोच ना रखें और कभी भी हम भाई बहनों में ऐसी लड़ाई ना हो। आई होप गाइस आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, आपको खुशी भी हुई होगी अलीशा के बारे में जानकर। अगर हाँ तो बताइए जरूर कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय, टेक केयर, नमस्कार।